तो हेलो गाइस, मैं हूँ आपका यूट्यूबर सौरभ नामा और आज हमारे चैनल पे आ गई है एक और धमाकेदार वीडियो। तो आज हम बताएंगे कि पहले के ज़माने में जो अम्मा होती थी, दादी होती थी, वो आपको टाइम कैसे बताती थी। सूरज की तरफ देख के वो कहती थी एक बज गई या दो बज गई, तो ये कैसे बता देते थे। तो इसी चीज़ को आज हम प्रूव करके बताएंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये हमारे पास है कुछ ये जुगाड़। हमने दो कार्डबोर्ड लेके उनको गोल शेप में काटा, फिर दो कार्डबोर्ड को काट लिया गोल शेप में, फिर उनको ऊपर टेप लगा दी, बराबर बराबर में ये नंबर लिख दिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 और 12। अच्छा, ठीक है, बराबर बराबर दूरी में हमने ये नंबर कर दिए हैं। अगर आप इसको नंबर को थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा कर दोगे, थोड़ा सा भी अगर बिल्कुल फिक्स शेप में नहीं होगा, तो ये टाइम सही नहीं बता पाएगा। तो इसी वीडियो को हम देखेंगे। इसके ऊपर हमने कर दिया है एक छेद, इस छेद में हम डालेंगे एक पेन। इस पेन को ऐसे डालकर बिल्कुल इसको सीधा रख कर इसको रख देंगे धूप में, जैसे धूप पे इस पेन की परछाई पड़ेगी, धूप है ना, जिस पेन के ऊपर पड़ेगी और इसकी छाव इधर उधर हो जाएगी। अरे कहना क्या चाहते हो, इसकी छाव फिर ये सही टाइम बताएगा। तो अब इसको करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को धूप में। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारी छत पे, देखिए कितनी कड़कड़ा धूप है, ये देखिए। तो अब हम इस धूप में इसको ट्राई करेंगे, इसको रखेंगे हम नॉर्थ में और इस पेन को लगाएंगे हम बीचों बीच में छेद में, इसको रखना है बिल्कुल सीधा, देखिए ये बिल्कुल सीधा 12 और 6 के बीच में होना चाहिए। और अभी टाइम हो रहा है 2 और हमारे फ़ोन में भी 2 ही बज रही है, तो ये काम करता है हमारा, ये देखिए। और आप भी इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत माता की जय।